गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्लास फिफ्थ लेसन नंबर 5। आज हम लेसन नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स, किस तरह आपको कॉलम्स को डिलीट करना है और किस तरह आपको रोज को डिलीट करना है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहला वाला टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था इंसर्टिंग रो एंड एबो, किस तरह आपको इंसर्ट करना है रो को और किस तरह आपको इंसर्ट करना है कॉलम को, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स, अगर आपको कॉलम्स एंड रोज को अगर आपको डिलीट करना है तो किस तरह आपको करना है। To delete a row or a column, click on any cell of that the rows or a column. आपको अगर आपको डिलीट करना है कॉलम्स एंड रो को तो आप किसी भी सेल पे, चाहे आपका रो हो चाहे आपका कॉलम हो, आप किसी में से आप क्लिक कर सकते हैं। सेल विथ द 11 इन क्रिकेट कॉलम, आपको सेल जो 11 जो लिखा हुआ है सेल के अंदर, आपको क्रिकेट कॉलम के अंदर 11 लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। अंडर द लेआउट टैब, आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि एग्जाम्पल में आपने इसके एग्जाम्पल आपने इस पे क्लिक किया। अंडर द लेआउट टैब, आपको लेआउट टैब के अंदर जाना है, आपको क्लिक ऑन डिलीट टूल, इसके बाद आपको डिलीट टूल पे क्लिक करना है। इन द रो एंड कॉलम ग्रुप, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, रो एंड कॉलम ग्रुप के अंदर। टू ओपन ए ड्रॉप डाउन मेन्यू, आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू वहां पे क्या होगा, ओपन होकर आएगा एज शोन इन फिगर 5.13, जो फिगर 5.13 में आपको शो करके दिया है। इस तरह आपको एक मेन्यू आपको आपके सिस्टम में भी आपको सेम आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है तो क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पे। क्लिक ऑन द कॉलम्स, डिलीट कॉलम्स, आपको डिलीट कॉलम्स के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। टू डिलीट द एंटायर क्रिकेट फ्रॉम द टेबल एज शोन इन फिगर 5.14, जो यहाँ पे आपने एंटर करके रखा है, जिस कॉलम क्रिकेट कॉलम के ऊपर आपने एंटर करके रखा था, वो आपके जब आप डिलीट कॉलम्स पे आप क्लिक करोगे तो आपके टेबल से वो कॉलम्स क्या होगा, आपको डिलीट होकर आपको दिखाई देगा, जो आपको फिगर 5.14 में आपको शो करके आपको टेबल आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। इसमें आपको कोई भी क्रिकेट का कॉलम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने क्रिकेट जो कॉलम था उसको हमने क्या किया, डिलीट कमांड के थ्रू, कॉलम डिलीट के थ्रू हमने उसको क्या कर दिया, वहां से हमने उसको डिलीट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर आपको रो को डिलीट करना है तो क्या करना है, क्लिक ऑन द डिलीट रोज, आपको डिलीट रोज पे क्लिक करना है। टू डिलीट द एंटायर रो 6 फ्रॉम द टेबल एज शोन इन फिगर 1.5, अगर आपको रो डिलीट करना है क्लास 6 का जो रो है आपको, अगर आपको उसको डिलीट करना है तो आपको इन सेल में से, इस रो के किसी भी सेल में आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिलीट रोज के ऊपर आपको क्लिक करना है, आपके जो टेबल से जो रो था क्लास 6 का जो रोज था, वो रो क्या होगा आपको डिलीट होकर आपको दिखाई देगा। किस पे क्लिक करने से, डिलीट रोज पे क्लिक करने से आपका टेबल के अंदर से वो रोज क्या होगा, डिलीट होकर आपको दिखाई देगा। क्लिक ऑन डिलीट टेबल, अगर आपको टेबल को डिलीट करना है तो क्या करना है, आपको डिलीट टेबल, आपको टेबल के ऊपर आपको क्लिक करना। टू डिलीट द एंटायर टेबल, इसके बाद आपके पास जो टेबल है वो टेबल भी आपके वहां से क्या हो जाएगा, अगर आपको टेबल को डिलीट करना है, आपको पेज पे कुछ भी टेबल आपको रखना नहीं है, तो उस वक्त आपको डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक करके आप पूरे टेबल को वहां से, एंटायर टेबल को क्या कर सकते हैं, एंटर किया हुआ जो टेबल है आप उसको वहां से क्या कर सकते हैं, उसको वहां से हटा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमें ये बता रहा है कि किस तरह हमें कॉलम्स को डिलीट करना है, किस तरह हमें रोज को डिलीट करना है और किस तरह हमें टेबल को डिलीट करना है, इसके बारे में हमें आज आप इसके अंदर हमें बता रहा है, ठीक है ना। अगर आपको सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सेल को भी डिलीट कर सकते हैं, अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हो तो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप जो आपको यहाँ पे बता रहा था इसके अंदर आप देख सकते हैं सेल विथ 11 इन क्रिकेट कॉलम, अगर आपको जो क्रिकेट का जो कॉलम है आपके पास सेल जो आपको 11 लिखा हुआ है, अगर आप उसको भी हटाना चाहते हैं वहां से आप उसको भी हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं, अगर आप सेल की ही हटाना चाहते हो तो आप सेल को ही हटा सकते हैं, अगर आप कॉलम्स को भी हटाना चाहते हो तो कॉलम्स को हटा सकते हैं, अगर आप रो हटाना चाहते हो तो रो हटा सकते हैं, अगर आप पूरे टेबल को ही वहां से आप डिलीट करना चाहते हो तो वो भी आप वहां से कर सकते हैं। ये सारा आपको लेआउट टैब के अंदर जाके आपको डिलीट टूल से आपको ये सारा ऑप्शन आपको वहां पे आपको मिल जाएगा, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, टेबल को आप डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं और सेल्स को आप वहां से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आज के टॉपिक हमें बता रहा है कि किस तरह हमें कॉलम्स और रो को हमें डिलीट करना है इसके अंदर, ठीक है ना। मे बी होप आप लोगों को समझ में आया होगा इसके अंदर, ठीक है ना। जब हम प्रैक्टिकल के लिए इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल में आपको इससे भी आपको अच्छे तरीके से हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आपको समझ में भी आ जाएगा आपको, ठीक है ना। हम प्रैक्टिकली आपको एक एक करके आपको शो करके दिखाएंगे तो वहां पर आपको इससे भी अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ आज का जो क्लास है हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।